हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दूध है जो फट चुका है, और आपने टाइटल में पढ़ा भी होगा कि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि घर पर पनीर कैसे बनाएं। तो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी हम दूध को फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए तो हम इसके अंदर डालते हैं लेमन। तो मैंने लेमन को ऐड नहीं किया है, तो मैं आज आपको नेचुरली दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने फाड़ा नहीं है, मैं बाहर से ही पनीर लेती हूँ। उबालते उबालते ही ऐसा हो गया था, तो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि बिना लेमन से भी हम बना सकते हैं घर पर एक अच्छा सा पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जब मैंने मिल्क को बॉईल किया था, ये अपने आप फट गया था, तो मैंने इसको शाम तक छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ गया है, और जो पनीर टाइप होता है वो नीचे बैठ गया है। तो मैंने कोई भी लेमन ऐड नहीं किया। सुबह जब मैंने मिल्क को बॉईल किया था, ये अपने आप फट गया था, तो मैंने इसको शाम तक छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ गया है, और जो पनीर टाइप होता है वो नीचे बैठ गया है। मैं नेचुरली बना रही हूँ, बस मैंने जैसे ही जो मेरा मिल्क है वो इस कंडीशन में आ गया था, तो मैंने इसको रख दिया था 5-6 घंटे के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 10 बजे मैंने इस मिल्क को बॉईल किया था, और अभी 6 बज रहे हैं, तो वही लगा लो 7-8 घंटे तक मैंने इसको लीव कर दिया। और आप देख सकते हैं पानी जो है ऊपर दिख रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने हाथों से इसको उठाना है। तो आप यहीं से देख लोगे कि पनीर, तो आप यहीं से देख लोगे जब मैंने ऐसे हाथों को डुबोया है तो कितना सारा पनीर मेरे हाथों में अभी आपको नजर आ रहा होगा। तो मैंने कोई भी मतलब लेमन नहीं डाला है, बिल्कुल ही नेचुरल पनीर बनेगा। और बिल्कुल भी अगर आपके पनीर में से खट्टे की स्मेल आती है, खट्टा टेस्ट आता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको आप ऐसे अच्छे से निचोड़ लें, और निचोड़ने के बाद आपको चाहिए खाली कंटेनर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि मेरे पास है खाली कंटेनर, तो खाली कंटेनर के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर लूंगी। आपको लोग बोलेंगे आप खट्टे दही डालिए या लेमन डालिए, तो कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 6-7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देख सकते हो कितना ही नेचुरल पनीर जो है वो बनकर रेडी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नेचुरल पनीर बना है, और इसको धोने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम नींबू डालते हैं तो हमें धोना पड़ता है, बट मैंने नींबू या खट्टा कोई भी चीज यूज नहीं की है, तो बिल्कुल भी मुझे इसको धोना नहीं पड़ा है। ये बिल्कुल ही मिल्की व्हाइट कलर का कितना क्लीन और कितना अच्छा बना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय।